हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वंडरफुल मील। मैं ज्योति। अरे अगस्त मंथ आ गया है और इसी अगस्त के मंथ में राखी आती है और सभी भाई बहन को इंतजार होता है कि राखी पर कुछ नया हो मिठाई में। तो आज मैं ऐसी ही मिठाई को लेकर आई हूँ जो राखी पर भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और तो राखी की खुशी दुगनी हो जाएगी। तो फिर चलो बनाते हैं राखी स्पेशल भाइयों के लिए टेस्टी टेस्टी मिठाई। सबसे पहले पैन में काजू और बादाम को डालकर भून लेते हैं, यानी रोस्ट कर लेते हैं। साथ ही इसमें किशमिश और पिस्ता को डालकर इन्हें हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो अब इन्हें पैन से बाहर प्लेट पर ले लेती हूँ और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए हैं अच्छे से, तो अब मैं इन्हें ग्राइंडर में डालकर दरदरा पीस लेती हूँ। तो ये देखिए दरदरा पीस लिया है, इसमें कुछ छोटे बड़े सभी पीसेस हैं। अब मैं आगे की प्रोसेस करती हूँ। अब गैस पर एक बर्तन रखते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर स्टील या कांच का बाउल रख देते हैं। बस आप इतना याद रखें, आप जो भी बर्तन रख रहे हैं उसका बेस पानी से टच नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर 400 ग्राम व्हाइट चॉकलेट डाल देती हूँ और इसे मीडियम फ्लेम पर मेल्ट करेंगे। हाई फ्लेम पर नहीं करना है क्योंकि कांच का बाउल लिया है, हाई फ्लेम के कारण बाउल चटक भी सकता है। चॉकलेट हल्की हल्की मेल्ट होने लगी है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिएगा टोटली अच्छे से मेल्ट हो गई है चॉकलेट। तो अब मैं यहाँ पर गैस को करती हूँ बंद और इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हल्की ठंडी भी हो गई है, तो अब मैं यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल देती हूँ, साथ में ऑरेंज कलर की चेरी, येलो चेरी, रेड चेरी सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप इसमें जितना चाहें ड्राई फ्रूट्स, मैंगो, चेरी कुछ भी डाल सकते हैं, जो मेवा आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। तो ये मिक्सर टुकली तैयार हो गया है फैलाने के लिए, आप इसे थाली ट्रे किसी में भी फैला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रे को ले लिया है और इसके अंदर चारों तरफ भी लगा देती हूँ। अगर आप घी नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप बटर पेपर को अंदर बिछा सकते हैं। तो अब मैं मिक्सर को इसके अंदर डाल देती हूँ और इसे अच्छे से चारों तरफ फैला देते हैं, कुछ इस तरीके से, ये देखिएगा। तो मिक्सर को भी अच्छे से फैला दिया है, अब इसे हल्का हल्का सा टैप कर लेते हैं और इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज या फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक अगली प्रोसेस कर लेते हैं। फिर से उसी बर्तन को गैस पर रख लिया है, अब इसके ऊपर बाउल को रख देते हैं और इसमें 200 ग्राम डार्क चॉकलेट डाल देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पर मेल्ट करेंगे। तो ये हल्की हल्की मेल्ट भी होने लगी है, आप देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा और मेल्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, ये देखिएगा। तो गैस को करती हूँ बंद और इसे फैलाने के लिए ले लेते हैं। व्हाइट मिक्सचर अच्छे से सेट हो गया है, अब डार्क चॉकलेट को इसके ऊपर पतला पतला फैला देते हैं, कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो पूरी ट्रे में मिक्सचर को अच्छे से फैला दिया है, तो अब मैं यहाँ पर इस ट्रे को हल्का हल्का सा टैप कर लेती हूँ ताकि ऊपर बहुत ही अच्छी शाइन आ जाए। तो ये देखिएगा टैप करने के बाद ऊपर बहुत ही अच्छी शाइन आ गई है। तो अब मैं यहाँ पर गोल्डन कलर की डस्ट हल्की हल्की छिड़क देती हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बिना डस्ट के भी बनाया जा सकता है। तो छिड़कती है गोल्डन कलर की डस्ट, आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है। तो अब मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देती हूँ।
मिठाई अच्छे से सेट हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अब चाकू से इसके ऊपर हल्के हल्के कट के निशान लगा देते हैं। कट डार्क नहीं करना है, हल्के हाथों से ही कट करना है। जब बर्फ़ी के छोटे छोटे पीस काटेंगे तो ये डिज़ाइन उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब डार्क कट कर लेती हूँ ताकि छोटे छोटे पीस में इन्हें काटा जा सके। मैं आपको पहले एक पीस काट कर दिखाती हूँ कि इतना ज़्यादा टेस्टी है। तो अब आप ये पीस देखिएगा कि कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं, चेरी हैं, और तो इस मिठाई में दो दो फ्लेवर हैं, चॉकलेट का भी है। इसे डबल डेकर मिठाई भी कहा जा सकता है। इसी तरीके से सभी के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। आप देख सकते हैं कट के जो निशान लगाए थे वो डिज़ाइन इसके ऊपर कितनी अच्छी लग रही है। तो ये तैयार हो गई राखी स्पेशल मिठाई स्पेशली भाइयों के लिए। पास से दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट और यम्मी बनी है। देखा आपने, हर तरीके से देखिएगा आगे पीछे से कितनी यम्मी लग रही है। अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है, ये देखिएगा। तो प्लीज़ इस राखी पर ये मिठाई अपने भाइयों के लिए ज़रूर बनाएं। और हाँ, मिठाई बनाते टाइम भाई की पसंद के ही ड्राई फ्रूट्स डालें ताकि ये मिठाई भाइयों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और राखी की खुशी भी दुगनी हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये मिठाई कैसी लगी। और हाँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी रेसिपी को देख रहे हैं व पसंद कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।